खाकी वर्दी ने दो बेकसूर नौजवानों को थाने में रात भर इतनी बेरहमी से पीटा कि अब वो दोनों निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वो भी महज इसलिए कि अभी हाल ही में एक युवक के कत्ल के इल्जाम में पुलिस के आला अधिकारी जबरन कत्ल का झूठा केस उन दोनों पर थोपने की फिराक में थे। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पत्थर दिल भी मोम पड़ जाए, लेकिन बिजनौर पुलिस का दिल नहीं पसीजा। जी हाँ, ये तस्वीर है बिजनौर के धामपुर थाने की, जहाँ पर तमाम बुजुर्ग महिलाएं और मासूम युवतियाँ आंखों में आंसू लिए बार बार हाथ जोड़कर अपने भाई को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी खाकी वर्दी का दिल नहीं पसीजा, बल्कि पुलिस के आला अधिकारी बेबस लाचार मजबूर की लड़खड़ाती आवाज को खाकी वर्दी के रौब के मारे दबाते रहे। बस इन बेकसूर युवकों के परिवार वालों का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार उन दोनों का क्या कसूर है। पुलिस ने क्यों बुलाया था आपके बच्चों को? पूछताछ के लिए। पूछताछ फिर क्या हुआ? पूछताछ के लिए, और हम पूछताछ करके घर छोड़ देंगे तुम्हारे बच्चों को। जब हमारे बच्चों को कुछ सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे बच्चों को मारा क्यों गया? अच्छा, हमें तो ये सबूत चाहिए। अच्छा, फिर पुलिस ने, जब आपको पता चला पुलिस ने मारा है, तो उसके बाद क्या किया आपने? हमारे बच्चे की तबीयत खराब होगी बहुत ज्यादा है, आज मेरा कपड़ा गिर गया, उन्होंने घर फोन गया, हमने थाने में आए, तुम्हारे बच्चे अस्पताल पहुँच गया। और चाहे नौ बच्चा, हमें क्या पता इस बच्चे को हम देवस्टी लाइट दूसरे पा रहे थे, बेहोश थे। निजी अस्पताल में भर्ती ये है प्रदीप व रिंकू, जिनका हाल बेहाल किया है धामपुर थाने की पुलिस ने। दोनों पर ऐसा कहर बरपाया कि उनके जिस्म पर चोट के गहरे निशान पुलिस की बर्बरता की ओर इशारा करते साफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि 12 जनवरी को शाम के वक्त धामपुर के निंदू इलाके में सड़क किनारे गौरव नाम के युवक का शव मिला था, जिसे लेकर उस दौरान मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। सत्ता का सियासी दबाव होने की वजह से पुलिस दो दिन से दोनों को हिरासत में लेकर थाने के अंदर थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर जबरन हत्या का इल्जाम दोनों पर थोपना चाहती थी, जबकि परिजनों व पीड़ितों के मुताबिक वो बेकसूर हैं। जबरन पुलिस ने रात भर लाठी व पट्टों से इतनी पिटाई कर डाली कि अब दोनों अधमरे पड़े निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। पूरे जिस्म पर बने गहरे निशान उनकी बेबसी बयां कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने जवान खोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला बताओ, चोट कैसे लगी आपको? पूछताछ के लिए बुलाया था। फिर मारपीट की। मारपीट की? किसने मारपीट की? कांस्टेबल अरुण और कोतवाल। अच्छा, सीओ। अच्छा, ये थाने में ही पिटाई की आपकी? जी। कौन कौन लोग थे उस टाइम मौजूद? पुलिस तीन लोग थे, कोतवाल। किस किस चीज से मारा आपको? डंडे सर, पट्टे से। अच्छा, करंट भी लगा था। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए बिजनौर से सलीम अहमद की रिपोर्ट।